ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। डोनाल्ड ट्रंप को मारने की एक और साजिश, ईरान के हथियारों के जरिए मारने का प्लान। एफबीआई ने नाकाम की साजिश, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक रियल साजिश है जिसका खुलासा खुद अमेरिकी न्याय विभाग ने किया है। मामला इतना खतरनाक है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे आपको बताते हैं आखिर ये साजिश थी क्या। जांच में सामने आया है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने एक ईरानी व्यक्ति को हायर किया था। नाम है फराद शेकरी। फराद एक सरकारी कर्मचारी है जो पहले भी अमेरिका की जेल में बंद रहा है, लेकिन ये बंदा यूं ही नहीं जेल में था बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की प्लानिंग के लिए उसे चुना गया था। अब ये कहानी सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित नहीं थी। फराद को सीधे तौर पर आदेश मिला था कि अगले 7 दिनों के अंदर ट्रंप की निगरानी करो और मौका मिलते ही उन्हें खत्म करने का प्लान बनाओ। और ये सिर्फ निर्देश नहीं थे, फराद को कहा गया था कि इस काम में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ईरान अधिकारियों का साफ कहना था, पैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने पहले भी बहुत खर्चा कर दिया है, अब बस काम पूरा होना चाहिए। सोचिए 7 दिनों में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की हत्या की साजिश। पर प्लान यही नहीं खत्म होता। फराद ने FBI को बताया कि अगर 7 दिनों के अंदर ट्रंप को मारने का मौका नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, चुनाव के बाद भी ये प्लान तैयार था। ईरानी अधिकारी मानकर चल रहे थे कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे और तब उन्हें मारना ज्यादा आसान होगा। As you know, there have been 2 assassination attempts on my life that we know of, and they may or may not involve, but possibly do, Iran. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ट्रंप को क्यों निशाना बना रहा था? इसका जवाब हमें ट्रंप के राष्ट्रपति काल में मिल सकता है। ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध, तेहरान के खिलाफ अमेरिकी नीतियां और सुलेमानी की मौत, इन सब फैसलों ने ट्रंप को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था। और इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए ईरान ने ट्रंप की हत्या की प्लानिंग की। फराद ने अपने बयान में कहा कि IRGC के अधिकारियों ने साफ साफ कहा था कि अब ट्रंप का काम तमाम करना है। पैसे, संसाधन, प्लान सब तैयार थे, लेकिन तभी FBI ने इस साजिश को भांप लिया और वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया। We've been threatened very directly by Iran, and I think you have to let them know, because the best way to do it is through the office of the president, that you do any attacks on former presidents or candidates for president, your country gets blown to smithereens, as we say. अब ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, ये ग्लोबल कंसर्न का विषय बन चुका है। सवाल ये है कि क्या साजिश सिर्फ ट्रंप तक ही सीमित थी या और भी अमेरिकी नेता इस लिस्ट में थे? और क्या इस साजिश के विफल होने के बाद भी ट्रंप की जान अब खतरे में है? इस खुलासे से अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया है, ट्रंप समर्थकों के बीच हड़कंप मच चुका है और ईरान के खिलाफ अमेरिकी गुस्सा फिर से भड़कने की कागार पर है। आने वाले दिनों में ये मामला और गर्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।